प्यारे बच्चों, क्लास 12 के हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो चैप्टर चल रहा है उसका ये 11th वीडियो है। ये 11वां वीडियो है जिसमें हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर करेंगे। इससे पहले पिछले चैप्टर में मैंने इसी टॉपिक से क्वेश्चन करवाए हैं, और वो जो टॉपिक जो क्वेश्चन में सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको, वो डॉक्टर एस के सिंह के बुक का सॉल्यूशन है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, चाहे आप जिस बुक से भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, या जिस बोर्ड से भी हो कोई दिक्कत नहीं है। आप समझने का प्रयास करें और अपने बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो होना है वो होना है 25 से 24 तक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, 25 नंबर क्वेश्चन करना। जैसा कि आपको पता है कि कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो पहले मोस्टली हम लोग उसका पहले जनरल एंट्री करते हैं, फिर क्वेश्चन बनाने के लिए, अगर अकाउंट बनाने के लिए कह रहे हैं तो फिर अकाउंट बनाते हैं उसका, ठीक है। तो ये जो गुडविल का ट्रांजेक्शन है, जो कैश लाने की बात होती है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी है, थ्योरेटिकल पार्ट भी मैंने करवाया है, वो सब भी जरूर देखिए पहले। अगर आप चैनल पर बिल्कुल आप नए हैं और आप इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप पहले इस वीडियो को ना देखें, आप डे वन से शुरू करें। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है एडमिशन ऑफ पार्टनर का, आप प्लेलिस्ट बना, उस प्लेलिस्ट को ऑन करेंगे तो सीक्वेंस में सारे टॉपिक वाइज डे वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से आप शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। तो जो 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमने आपको कहा कि उसको पहले हम लोग जनरल करेंगे। जनरल करने के संबंध में कई बार कुछ ट्रांजेक्शन का कुछ वर्किंग भी करना पड़ता है, तो थोड़ा सा जगह हम वर्किंग के लिए ले लेंगे। और जहाँ तक ट्रांजेक्शन करने की जनरल करने की बात है तो मैं कॉलम खींच के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पे ज़्यादा कमी है तो आप कॉलम खींच के ही नोट करना। जनरल का कॉलम आपको पता है क्या होता है, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट, ठीक है। चलिए तो हम ऐसा करते हैं, इधर मैं जनरल कर लूँगा और यहाँ छोटा मोटा वर्किंग अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वर्किंग कर लूँगा। अब भी इस तरह का अपने कॉपी में जगह बना ले, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ेंगे। कहता है किशन और गोपाल एक फॉर्म में साझेदार हैं और वो समान रूप से लाभानी बांटते हैं। तो हम इस बात को, छोटी छोटी बातों को वर्किंग में नोट करते हैं। अभी कोई ट्रांजेक्शन तो हुआ नहीं है, इस बात को वर्किंग में नोट कर लेते हैं। ये ओल्ड रेशियो कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि कुछ ना कुछ बदलाव तो अब होने हैं। ओल्ड रेशियो ऑफ किशन एंड गोपाल, एंड गोपाल वन इज टू वन, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वे श्याम को एक भागे पांच भाग के लिए शामिल करते हैं। श्याम एक नया पार्टनर है, उसको मिल गया कितने, 1/5। श्याम 20,000 का पुस्तकीय ऋण, अपने संबंधों की ख्याति और बाकी अपने दोस्त मुरलीधर से उधार लेकर लाता है ताकि उसकी पूंजी 1,20,000 के बराबर हो जाए। मतलब यह है कि वो अपनी पूंजी लेकर आ रहा है। तो जब पूंजी लेकर आ रहा होता है तो आप जानते हैं कि जो कैश लेकर आ रहा होता है उसको डेबिट करते हैं और जो पूंजी होता है उसको क्रेडिट करते हैं, ये आपको पहले से ही पता है। तो श्याम का पूंजी क्या होगा? क्रेडिट होगा। कितने से होगा? 1,20,000 से। तो 1,20,000 पुराने के चक्कर में उसने कई चीजें दी। कैश देते थे तो कैश को डेबिट करते थे। उसने क्या क्या दिया है? तो उसने दिया है, पढ़ते जाएंगे और नोट करते जाएंगे। उसने दिया है श्याम ने 20,000 पुस्तकीय ऋण। पुस्तकीय ऋण क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा, पहले आप नोट करते जाएंगे कि वो क्या लेकर आ रहा है। तो बुक डेब्ट लेकर आ रहा है तो उसको मैं डेबिट कर दूंगा 20,000 से, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अपने संबंधों के गुडविल, उसके पास गुडविल था, मतलब वो जहाँ बिजनेस कर रहा था उसके संबंध में कुछ गुडविल थे 1,20,000 रुपये। ये वो गुडविल नहीं है जो वो क्षतिपूर्ति के लिए लेकर आया, नहीं है। ये उसके पास जो गुडविल था, जो श्याम के पास ऑलरेडी पहले से था, वो लेकर आया अपने कैपिटल पुराने के। तो 40,000 का गुडविल लेकर आया तो कितना हजार हो गया? 7,000 रुपये, ठीक है। अब सवाल ये है कि उसको 1,20,000 पुराने हुए, 1,20,000 पुराने हैं और वो उधार लेकर आ रहा है, कहीं से भी लेकर आ रहा है, अपना दोस्त है, मुरलीधर है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे पैसा चाहिए, तो वो उधार लेकर आ रहा है। तो जब भी आप किसी से उधार लेते हो तो पैसा लेते हो, तो बाकी पैसा वो कैश लिख दीजिए या बैंक लिख दीजिए, ठीक है, बाकी पैसा वो नगद लेकर आ रहा है। तो आप इसमें लिख दीजिए बैलेंस, ठीक है। बैलेंस कैसे करेंगे? तो 1,20,000 में से 20,000 को दे दिया बुक डेब्ट, 40,000 दे दिया उसके पास गुडविल था, तो इसके पास बच गया 60,000 रुपये। ये 60,000 रुपया वो बैंक के तौर पे या कैश के तौर पे, कुछ ना हो तो बैंक और कैश दोनों
में से कुछ भी लिख सकते हो तो यहाँ 60,000 लिख देना। ठीक है, अब सुन लो, बुक डेप्स क्या होता है। तो उसके पास जो बिजनेस पुराना वो कर रहा होगा, तो उसके पास कुछ पैसे मार्केट में हैं जो उसके फंसे हुए हैं, वो बिजनेस में शामिल हो जाना चाहता है, तो वो पैसा भी तो इस बिजनेस का हो जाएगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ उधारी में मेरा है, कहीं बकाया है, वो मैं बुक आपके बिजनेस में लगा दे रहा हूँ, वो पैसा मेरे अपने बिजनेस में यहाँ आ जाएगा। उसके पास कुछ गुडविल था 40,000 का, वो लगा दिए। तो कुल मिलाकर इसने अपनी पूंजी पुराई, कितनी वो पुराई अपनी पूंजी, क्या नाम है, श्याम, श्याम ने अपनी पूंजी पुराई, श्याम्स कैपिटल 1,20,000। ठीक है, बस समझ में आई, कितना पुराई 1,20,000। लेकिन फिर बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नया पार्टनर जब आता है तो वो कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी लेकर आता है। ये गुडविल की मैं बात नहीं कर रही, ये गुडविल तो उसके पास अपना था जो 1,20,000 रुपया देकर पूरा लिया। ठीक है, ये मैं उस गुडविल की बात कर रहा हूँ जो इसको शेयर मिला है, और उस शेयर के बदले में जो श्याम्स गुडविल देता है। पर ये क्या लिखा हुआ है, कहता है कि पुरानी फॉर्म की ख्याति 60,000 रुपया मूल्यांकित की गई। अच्छा है, 60,000 रुपया फॉर्म की जो है सो गुडविल है वो मूल्यांकित की गई। मूल्यांकित करने का मतलब ये है कि जो गुडविल का वैल्यू लगाया गया है वो है 60,000 रुपया। ठीक है भैया, तो 60,000 रुपया में इसको इतना पैसा देना चाहिए जितना भाग है उसको गुडविल, ये तो कैपिटल 1,20,000 रुपया ये सब देकर पूरा है। इसको 60,000 में एक जो श्याम का गुडविल है, श्याम का जो गुडविल है 60,000 में 1/5, मतलब 12,000 रुपया का जो गुडविल है इसको देना चाहिए था। ठीक, देना चाहिए था अलग से। ठीक, इसके लिए देनी चाहिए, तो जो पुराना पार्टनर है उसके लिए तो लाया है। और जैसा कि आपको बताया कि अगर कोई पुराना पार्टनर नहीं लाता है, सॉरी नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाता है, तो उसके कैपिटल से काटते हैं। तो इसका जो कैपिटल है 1,20,000, आप इसमें बेइंग लिख दीजिए, लिख देंगे इसमें कैश प्राउट। ठीक है, सब तो में लिख देंगे, क्या ये इस गुडविल में से है ना, हम लोग क्या करेंगे, इसके श्याम्स के कैपिटल अकाउंट से जो गुडविल का अमाउंट बनता है 12,000 रुपये वो काटते हैं, और किसको देंगे, जिन्होंने इसको सेक्रीफाइस किया होगा। तो सेक्रीफाइस के बारे में मैंने आपको बताया है कई बार कि आपको ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करना है। इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं न्यू रेशियो है क्या, नहीं है, कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ। तो आपका जो सेक्रीफाइस रेशियो होगा वो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो कहलाएगा। मतलब ये जो 12,000 रुपया है प्यारे बच्चों, ये 12,000 रुपया इसी रेशियो में बटेगा 1:1। और जैसा कि आपको पता है कि 1:1 का मतलब क्या होता है, 6,000 रुपये सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूँ, आप वहाँ कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो, किशन और गोपाल 6,000 रुपया और गोपाल का 6,000 रुपया। इसमें न्यू रेशियो भी निकालने हैं, तो न्यू रेशियो में आप क्या करोगे, जब आपके पास कुछ ना होगा तो आप टोटल प्रॉफिट को 1 मानोगे। ठीक है, राइट ना, लिखेंगे इसमें एडजस्टमेंट ऑफ श्याम्स शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, थ्रू कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ श्याम्स शेयर ऑफ गुडविल, आप नोट करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ श्याम्स शेयर ऑफ गुडविल थ्रू कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ मैंने कर दिया, यहाँ तो क्वेश्चन था और कुछ था, इस क्वेश्चन का कुछ है नहीं, बस यही था। अब इसमें बच्चे फंसते कहाँ है कि सर ये जो गुडविल है वो क्या है, तो ये उसके पास था, श्याम के पास ऑलरेडी था, और ये वाला कौन सा गुडविल है, तो ये बिजनेस में लगाया गया है कि तुमको शेयर देंगे, 1,60,000 का पूरा बिजनेस है, तुमको शेयर देंगे 5/5, तो तुमको 12,000 रुपया देना है अलग से। भाई ये तो कैपिटल ही बड़ा मुश्किल से पूरा पाया है, तो गुडविल कहाँ से देगा, तो गुडविल अगर नहीं देगा तो इसके कैपिटल अकाउंट से, ठीक है, 12,000 रुपया हम कटिंग कर देंगे। ठीक, तो ये पैसा उस शेयर में जाएगा, उस आदमी को जाएगा जिसने सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस करने के लिए, सेक्रीफाइस पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यू ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस करते हैं। लेकिन क्या है, हमारे पास अभी न्यू रेशियो भी नहीं है, तो हमारा ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होगा। मतलब दोनों किसान और गोपाल का जो सेक्रीफाइस होगा 1:1 इसमें बांट देंगे। ठीक है, और समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन 25 के लिए हुआ, 26 पढ़ेंगे क्या है, 26 का ए दिया हुआ है, कहता है ए बी एक फॉर्म में सार जाए 3:4 के अनुपात में बांटते हैं। तो पहले तो हम इसे मिटा दें, थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे वीडियो को वॉच करके। चलिए,
गुजारिश आप सबसे इतनी है कि आप वीडियो को शुरू से देखें, ठीक है। जो इसका वीडियो बना हुआ है, जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, टेबल से आप देखें, तब आपको ज्यादा समझना, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। कहता है ए भी एक फॉर्म में साझेदार है, तो मैंने आपको कहा कि दो पार्टीशन में कर लेता हूँ, इधर मैं वर्किंग कर लूंगा, ठीक है। छोटी छोटी वर्किंग भी होगी, मैं इधर कर लूंगा। तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, आप कॉपी में कहीं पर बना लोगे इस तरह, ठीक है। वो क्या है, तीन अनुपात चार, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि जब कभी ऐसा दिख जाए तो आप लिखना तीन भागे सात और चार भागे सात, कैसे, तो तीन चार को जोड़ेंगे तो सात हो गया। कहता है कि वे तीन भागे सात भाग के लिए सी को, ठीक है, सी के पास कितना भाग हो गया, तीन भागे सात भाग। ये लिया है दो भागे सात भाग फ्रॉम ए इसका टू टू अपॉन सेवन और फ्रॉम बी इसका टू। आप चाहे तो छोटी छोटी बातों को ऐसे लिखते, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ऐसे उसके बाद कहता है कि वो अपनी हिस्से की ख्याति के लिए 19,000 में से 1,000 ही दे सका। कैपिटल ना दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 19,000 में से वो 1,000 रुपया दिया है, ठीक है, वो गुडविल के लिए दिया है, तो इसको तो नोट करना पड़ेगा जर्नल में। मैं कर रहा हूँ जर्नल लेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का ए, तो कैश लेकर आ रहा हो, कैश या बैंक लिख सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट है ना, जो गुडविल अकाउंट, आप प्रीमियम भी लिख सकते हो इसमें, है ना, 1,000, ठीक है जी, लिंक कर लेंगे, है ना, कैश ब्राउट हो गया, ये बात समझ में आ गई। तो 1,000 रुपया उसने वो लेकर आया, राइट, तो 1,000 का मैंने ट्रांजेक्शन कर दिया, लेकिन असल में उसको लाने कितने थे पता है आपको, 19,000 रुपये लाने थे। उसको कितने लाने थे, 19,000 रुपया लाने थे तेरे बच्चों, तो 19,000 रुपया न लाकर वो कितना लाया है, 1,000 रुपया लाया, ठीक है। तो क्या करेगा, 1,000 रुपया गुडविल के तौर पे तो वो पैसा जाएगा, 1,900 रुपया में से 1,900 लाने के लिए कहा था और 1,900 में से वो 1,000 ही लेकर आया है, लेकिन हमको तो ट्रांसफर 1,900 करना पड़ेगा पार्टनरों के बीच में, क्योंकि पैसा चाहिए, जो पुराना पार्टनर उसको पैसा चाहिए जैसे भी, तो ये गुडविल लेकर आए तो गुडविल तो पहले सॉलिड ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, 1,000। लेकिन पार्टनर कहेगा मुझे तो 1,900 का हिसाब चाहिए क्योंकि मैंने सभी पास किया है 1,900 के लिए, तो क्या कहा किया जाए भाई, तो उसके पास तो पैसे हैं, पैसा होता तो दे देता, तो ये जो कमाएगा ना बिजनेस में वो पैसा ऑलरेडी पहले से हम कटिंग कर लेते हैं, क्या नाम है इसका, सी, तो यहाँ लिख देंगे सी इज करेंट अकाउंट, ठीक है, क्या लिख देते हैं, करेंट अकाउंट 1,900 रुपया इसके करेंट अकाउंट से जो पैसा भी ये कमाएगा वो पहले ट्रांसफर कर लेते, ठीक है। मतलब ये है कि ये भी कह रहा है कि मैं पहले रख लूंगा तब तुमको दूंगा कमाई, मुझे 1,900 का हिसाब चाहिए, टू एज कैपिटल टू बी कैपिटल, ठीक है, शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ए एंड बी लिख लिया आप इसमें। तो इसमें क्या करना है, 1,900 का हिसाब हो गया, अब ये जो 1,900 है ये सेक्रीफाइस रेशियो में बैठेगा और सेक्रीफाइस रेशियो का सूत्र होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, ओल्ड में से न्यू माइनस करते हैं वो प्लस में आता है तो सेक्रीफाइस करते हैं, ये ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस दिया है, पूछो कैसे, कहते हैं फ्रॉम ए, ए से 2/7 और बी से 1/7 मूल लेता है, इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि वो जो हिसाब है वो क्लियर है, ठीक है, ये आपका सेक्रीफाइस है, मतलब आप हमसे ले रहे हो या हम आपको दे रहे हो, वही तो सेक्रीफाइस है। तो सेक्रीफाइस से शो ए एंड बी टू इज टू टू अपॉन सेवन वन अपॉन सेवन, तो लिखेंगे इसको 2/7 हटा देंगे क्योंकि दोनों में सेवन, और ये 1,900 रुपये बढ़ जाएगा, 2/3 1,900 बढ़ जाएगा 1/3, इसको बांट कर जो आएगा नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है, पॉइंट में आएगा कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिएगा। चलिए तो ये 26 का ए क्लियर हुआ, आप समझने का प्रयास करिए कि 1,900 रुपया का हिसाब ही दोनों को चाहिए, लेकिन वो कैश गुडविल के तौर पर ले गया 1,000 रुपया, तो 1,000 तो ठीक है, 900 रुपया इसके करेंट अकाउंट से काटेंगे, 1,000 तो ये ट्रांसफर हुआ, 900 रुपया इसके करेंट अकाउंट से ट्रांसफर कर देंगे ए और बी को, ए और बी को पैसे चाहिए, जिसको पैसे चाहिए वो क्रेडिट में रहेगा और जो देगा वो डेबिट में आएगा, ठीक है। तो सी देगा, सी गुडविल आया तो गुडविल दे दिया,
शी नहीं ला रहा है गुडविल 900 का, तो उसके करंट अकाउंट से काट दिया। चलिए तो ये 26 का एक क्लियर हुआ, अब पढ़ेंगे 26 का। वीडियो को पॉज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, लमसम सारी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं। ऑफलाइन क्लास में बच्चों को दिया भी जाता है कि आप ये क्वेश्चन बना लेना, है ना, लेकिन ऑनलाइन में मैं कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा सा प्रमोट करें, राइट। सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है, हाँ 100% तो मुश्किल है कि मैं ऑफलाइन में दे सकूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 26 का बी, ए भी साझेदार हैं जो लाभों को समान रूप में बांटते हैं, तो क्या करते हैं, इसको नोट कर ले, छोटी छोटी बातों को हम वर्किंग में नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 26 का बी हम लोग देखने जा रहे हैं, 26 का बी, तो वर्किंग में हम लोग छोटी छोटी बातों को नोट करते जाएंगे। ओल्ड रेशियो ए एंड बी 1:1 को लिखे 1:2। आगे कहता है कि वे सी को सारे रैली में शामिल करते हैं, सी को लाभ में 1/4 हिस्सा दिया जाता है और वो 2000 चुकाना है, परंतु 1000 रुपये ही लाता है। पुस्तकों में ख्याति खाता 6000 पहले से विद्यमान है। पहले तो आप ये बात जान लो कि जो गुडविल पहले से मौजूद रहे उसका क्या करना है। तो जो गुडविल पहले से मौजूद रहे तो उसको देखते ही आप हटा दो, और हटाने के लिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट करो, पुराने पार्टनर को डेबिट कर देना, पुराने पार्टनर को चुपचाप डेबिट कर देना, ठीक है, पुराने गुडविल के लिए। और टू गुडविल जो आपका ओल्ड गुडविल है, ठीक है, तो ये है 6000 और ओल्ड रेशियो में बांटने हैं इसको, तो 6000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 1/2। इसको ये कहिए कि पुराना गुडविल का भनक जो है नए पार्टनर को नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। 3000 और 3000, 3 × 6 होता है, 3 × 6 होता है, मतलब 3000 रुपया दोनों को देकर ओल्ड गुडविल आप रिटर्न ऑफ कर दीजिए, ठीक है। मैंने आपको जो भी बता रखा है, बीइंग भी बता रखा है, आप लिख दीजिए इसमें, ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो भी रहने दीजिए, एक चीज समझ गए होंगे। अब आइए आगे दीजिए उसको, क्या नाम है पार्टनर का, शी। शी आ रहा है, 2000 चुकाना है, परंतु वो 1000 ही लेकर आता है, ठीक है। ठीक है भाई, 1000 रुपया ही लेकर आता है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। हम क्या करेंगे, इसके कैपिटल अकाउंट से करंट अकाउंट से काट लेंगे। इसके पास कैपिटल अकाउंट भी नहीं है, तो जो कमाएगा उसे काट लेंगे, ठीक है। जस्ट वही क्वेश्चन हो गया, तो ये कैश लेकर आ रहा है 1000 रुपया, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट नहीं मिलाएगा तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन गुडविल का पूरा रकम चाहिए। ये बेचारा क्या सिर्फ गुडविल लेकर आया है और इसको देना था 2000, तो गुडविल तो जाएगा पहले, गुडविल तो प्यारे बच्चों ट्रांसफर हो जाएगा 1000, लेकिन ये और भी नहीं मानेगा, कहेगा मुझे तो भाई मुझे तो वो हिस्सा चाहिए, कौन हिस्सा, पूरा, ठीक है, मुझे तो 2000 का हिस्सा चाहिए, क्योंकि 2000 के बराबर मैं सेक्रीफाइस कर रहा। तो क्या किया जाएगा, तो जो सी कमाएगा ना, सीज करेंट अकाउंट करेंटली जो कमाएगा, ठीक है, उसके अकाउंट से 1000 रुपया कटिंग करेंगे और ए और बी को खुश करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, अच्छे से लिख लेना, कैपिटल CAP. ठीक है, CAP. तो इसको 2000 का हिसाब चाहिए। अब जो पैसा बांटने हैं वो सेक्रीफाइस रेशियो में बांटने हैं। सेक्रीफाइस रेशियो का सूत्र क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हालांकि हम लोग ट्रिकली जब सॉल्व करते हैं, ओल्ड में से न्यू घटा देते हैं, प्लस में आता है तो सेक्रीफाइस कहते हैं, और माइनस में आ जाता है तो उसको न्यू रेशियो कहते हैं। ये मैंने कई बार आपको बताया, पिछले चैप्टर में भी बताया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हमारे पास जो सवाल है, इसमें और कुछ है नहीं, जो कुछ नहीं है, न्यू रेशियो है ही नहीं। जब न्यू रेशियो नहीं होता है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होता है, और ओल्ड रेशियो देखिए बहुत अच्छी बात है कि सेक्रीफाइस रेशियो जो होगा वो 1:1 ही होगा, तो 1:1 का मतलब बराबर होता है, ठीक है, सिंपली आप बांट दीजिए। टोटल 2000 हो तो 2000 को जब आप बांटेंगे 1:1 में, 1/2 या 1:1 हो, 1/2 और 1/2 इसे काट देंगे, तो 1000, और उसी तरीके से सेम टू सेम इट इज, ठीक है, तो 1000 इसको, 1000 इसको, ठीक है, क्रेडिटेड टू ए एंड बी इन देयर सेक्रीफाइस रेशियो। तो एक इंच ये, दूसरा ये, तीसरा ये, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम,
पिछले क्वेश्चन में सिर्फ ये नहीं था, ओल्ड गुड भी नहीं था, तो इस क्वेश्चन में ओल्ड गुड भी लिखा। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट करिए, मैं आपको हिडन गुड भी पढ़ाऊंगा, ठीक है? चल अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर ए बी और सी मिलाकर 50,000 कैपिटल है, और पुनः मैं कहता हूँ कि ए बी सी का टोटल कैपिटल हो गया 60,000, इसमें क्या बना पता है नए पार्टनर के आने से, सॉरी इसमें मान लो कि डी को नया पार्टनर शामिल किया गया, ठीक है, और मैं कहता हूँ 10,000 बढ़ा, तो और मैं कहता हूँ कि 5,000 ही कैपिटल है, तो इसमें से जो 5,000 कैपिटल है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बच कितना रहा है 10,000, और 5,000 कैपिटल है तो 5,000 क्या होगा, गुडविल होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नया पार्टनर होता है वो दो तरह की रकम लेकर आता है, एक कैपिटल लेकर आता है, एक गुडविल लेकर आता है, तो 5,000 जो बच रहा है वो गुडविल है। चलिए नहीं समझ में आया, मैं आपको फिर से समझाऊंगा क्वेश्चन, चलिए समझ में, क्वेश्चन समझिए। गुप्त ख्याति क्या होता है, हिडन गुडविल का मतलब आप समझते ही हो पहले से भी, हिडन गुडविल का मतलब होता है वो गुडविल जिसके बारे में क्वेश्चन में क्लियर ना हो, ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा, आपको समझ कर समझिए। कहता है ए बी सी फॉर्म में पार्टनर है, ठीक, इसके पास जो पूंजी है वो है 13,000, 9,000, ठीक है, और सी शामिल हुआ तो सी 8,000 लेकर आ रहा है, तो टोटल कैपिटल ऑफ, ठीक है, ए बी और सी, तो ए का है 13,000, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बी का है 9,000 और सी का है 8,000, ठीक है, कितना होता है भाई, तो 9 और 17 तीन दीजिए 30,000 रुपये, फाइनली टोटल कितना हो रहा है 30,000, कितना हो रहा है 30,000 हो रहा है, ये रहा इसका टोटल कैपिटल, ठीक है, इसको कह सकते हो एडजस्टेड टोटल कैपिटल जो है वो 30,000। अब जो है कहता है कि जो सी है ना वो 1/5 हिस्सा के बराबर 8,000 लेकर आ रहा है, 1/5 हिस्सा के बराबर अगर 8,000 लेकर आ रहा है, ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म, या आप न्यू फॉर्म लिखे वो समझिएगा कि 1/5 हिस्सा बराबर अगर 8,000 रुपया बंदा लेकर आ रहा है तो टोटल हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा 8,000 × 5, मतलब ये है कि पूरा जो बिजनेस का वैल्यू लगा था वो 40,000 लगा, ठीक है, नए फॉर्म में 40,000 टोटल कैपिटल होना चाहिए था, लेकिन इसके पास जो कैपिटल है टोटल वो 30,000 है, तीनों को मिला के 30,000 हो गए, अगर हम रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो 40,000 हो रहा है, तो 10,000 जो बढ़ रहा है वो ही गुडविल है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे गुडविल, गुडविल आपका यही है, हाइड किया हुआ था इसीलिए इसको डिजन गुडविल कहा गया, 10,000, ठीक है जी, ये पैसा उसको लाना, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर कोई चर्चा नहीं, नहीं ले पा रहा है, ठीक है, तो जब वो नहीं लेकर आएगा, ठीक, ये सिर्फ कैपिटल लेकर आया है 8,000 रुपया, कह दिया है कि 8,000 रुपया कैपिटल लेकर आ रहा है, तो कैपिटल लेकर जो आया है उसका एंट्री तो कर लेंगे कैसे अकाउंट में, तो क्या नाम है इसका, सी, सी कैपिटल वो 8,000 लेकर आ रहा है, लेकिन गुडविल का पैसा नहीं लाया है, जबकि हमको पता है कि गुडविल जो है, गुडविल जो है वो है टोटल है 10,000 रुपये, लेकिन सवाल ये है कि 10,000 टोटल है पूरे फॉर्म, ये पूरे फॉर्म की गुडविल है, पूरा फॉर्म लेकर चल रहे हैं, तो इसमें जो सी का शेयर होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अपलोड कर लें यहाँ से, यहाँ सी शेयर ऑफ गुडविल, वो 10,000 का जो शेयर उसको मिला है, 1/5 शेयर मिला है, ठीक है, 1/5 यहाँ भी, तो 2,000 रुपया उसको देना था, लेकिन वो दे दिया नहीं, ठीक है, तो इसके कैपिटल से काट लेंगे, सिंपल अब बिंग लिख लेंगे, तो इसके जो सी का जो कैपिटल है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब सेक्रीफाइस लिखो, सेक्रीफाइस के बारे में भी न्यू शेयर कुछ है नहीं, ठीक है, तो ओल्ड रेशियो भी सेक्रीफाइस रेशियो है,
और ओल्ड रेशियो भी कुछ नहीं, ठीक है, तो बराबर मान लेंगे कुछ नहीं ओल्ड रेशियो, तो 2000 रुपये यहाँ पर कैपिटल में से काट रहे हैं एज ए गुडविल, कैपिटल में से पैसा काट रहे हैं एज ए गुडविल, और किसको ट्रांसफर कर देंगे, ए को और टू बीच कैपिटल बीन कर लेना, और यहाँ पर जो सेक्रीफाइस रेशियो होगा वो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होगा, क्योंकि न्यू रेशियो की चर्चा नहीं है और ओल्ड रेशियो भी नहीं है, तो जब ऐसा कंडीशन हो तो आपको पता ही है कि बराबर बराबर कर देना है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, 1000 इसको दे दीजिएगा और 1000 इसको, ठीक है। चलिए बताइए समझ में आ रहा है। एक बात आपको जान लेनी है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस हर क्वेश्चन के लिए जरूरी है, ठीक। तो ये क्वेश्चन था 27 का ए, समझ रहे हैं। इसी तरीके से 27 का बी भी है, 27 का सी भी है, ठीक। आप चेक करना, बनाकर देखना, ठीक है, 27 का बी और 27 का सी बनाकर देखना। चलो ठीक है, रहने दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। आप कष्ट ना करो, आप बस उतना पढ़ लो जितना मैंने आपको पढ़ाया, उतना प्रैक्टिस कर लो, ठीक। तो समझ में आ रहा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को जरूर प्रैक्टिस करें, एक से दो बार तीन बार जरूर बनाएं, ठीक है, क्योंकि एक बार भी चीज़ें सिर्फ समझ में आती है वो आपकी प्रैक्टिस में नहीं आती, दूसरी बार तीसरी बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगी, ये बात आप समझ लीजिए। बार बार किसी भी चीज़ को करने से वो चीज़ अपनी हो जाती है, वो चीज़ आदत में आ जाती है, ठीक है। तो इसको भी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो आदत हो जाएगी, आप ना चाहकर भी वो बन जाएगा आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें, और बाय।